नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 सितंबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सीधी भर्ती परीक्षा 2022 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने मिनिमम पासिंग मार्क्स का हवाला देते हुए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में सिर्फ 7069 कैंडिडेट्स को ही पास किया है। इनमें नॉन टीएसपी एरिया के 6873 और टीएसपी एरिया के 196 कैंडिडेट्स सफल हुए हैं। नॉन टीएसपी एरिया के 8974 और टीएसपी एरिया में 888 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 9862 पोस्ट और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 295 पोस्ट मिलाकर कुल 10157 पोस्ट के लिए 18 और 19 जून 2022 को परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें 252,000 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 2793 पोस्ट खाली रह जाएंगी। उधर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन हो सकेगा। राजस्थान में मानसून के सुस्त पड़ने के साथ ही दिन के साथ ही रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। पश्चिमी राजस्थान के चूरू जिले में कल दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक पहुंच गया। हालांकि पूर्वी राजस्थान के लोगों को थोड़ी राहत मिली। यहां दिन भर में जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर समेत कई जगहों पर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश दौसा जिले में हुई। मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार सिकराय में 91 mm पानी बरसा। सिकराय के अलावा दौसा के महुआ कस्बे में 62 mm, बेजूपाड़ा में 16, राहुवास में 12 mm बरसात हुई। इसके अलावा अलवर के तेजारा, बानसुर, राजगढ़ और कोटका सिम में भी 10 से लेकर 34 mm तक बरसात हुई। वहीं 5 सितंबर के बाद फिर से मानसून एक्टिव होने का भी अनुमान लगाया गया है। जयपुर के सांगानेर, बस्सी, विराटनगर एरिया में भी कल देर शाम बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली में भी कई क्षेत्रों में बरसात हुई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सीएम अशोक गहलोत के इनकार करने पर इशारों में कहा, जो हाईकमान कहेगा वह निर्देश सब नेताओं को मानना होगा। राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं। पायलट ने राजस्थान में बढ़ते क्राइम और छात्र संघ चुनावों में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की हार पर भी सवाल उठाए। पायलट जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गहलोत सहित कई नेताओं के मना करने के सवाल पर उन्होंने कहा, जैसा पहले भी किसी ने कहा कि राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं, जो दिखता है वह होता नहीं। इसीलिए अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है। 22 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो है वो सामने आ जाएगा। अलवर जिले के भिवाड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रॉन्ग साइड से आ रहा एक ट्रॉला बाइक सहित 3 लोगों को घसीटता हुआ ले गया। हादसे में मां बेटी की चंद सेकंड में ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा युवक बुरी तरह से घायल हो गया। ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना कहरानी औद्योगिक क्षेत्र की है। भिवाड़ी DSP जसवीर मीणा ने बताया कि बिहार समस्तीपुर के रहने वाले रामबचन साहनी अपनी 35 वर्षीय बहन सरिता और 16 वर्षीय भांजी निशा के साथ भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना से खुशखेड़ा के करोली गांव में अपने छोटे भाई के यहां प्रसाद देने के लिए जा रहे थे। इस दौरान इंडियन गैस एजेंसी के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रॉला ड्राइवर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सरिता और उसकी बेटी निशा की मौके पर ही मौत हो गई। वही रामबचन साहनी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी के एक गांव में बने नाले में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतका के शव को नाले से बाहर निकलवाया गया। लाश की पहचान दरभंगा बिहार के 15 वर्षीय नेहा के रूप में हुई। लड़की के भाई रमेश्वर ने बताया, वो अपनी माँ और बहन के साथ बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए आया था। कस्बे के ही गणेश गेस्ट हाउस में रुका था। बहन नेहा सुबह 7 बजे गायब हो गई थी। इसकी सूचना मेहंदीपुर बालाजी चौकी में दी थी। वहीं नेहा होटल के CCTV वीडियो में होटल से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के कारणों का पता किया जा सकता है। हरियाणा BJP की नेता सोनाली फोगाट की हत्या की जांच कर रही गोवा पुलिस ने उनके फार्म हाउस पर सर्च की। गोवा पुलिस की 2 मेंबरी टीम ने लगभग 5 घंटे तक फार्म हाउस के कोने कोने को खंगाला। यह पूरी सर्च सोनाली के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में की गई।
गोवा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सोनाली की 15 वर्षीय बेटी यशोधरा को भी शामिल किया। सोनाली के फार्म हाउस से निकलने के बाद गोवा पुलिस के अधिकारी हिसार सदर थाने और फिर वहां से हिसार CIA थाने गए। आज गुरुवार को गोवा पुलिस के अधिकारी हिसार के संत नगर में बनी सोनाली की कोठी में सर्च कर रहे हैं। सुधीर सांगवान के लिए सोनाली की जमीन के लीज के कागजात तैयार करने वाले वकील से भी पूछताछ की जाएगी। हिसार में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद गोवा पुलिस सोनाली के फैमिली मेंबरों को साथ ले जाकर गुरुग्राम में उसके फ्लैट को खंगालेगी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक 17 साल के दलित नाबालिग की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक नाबालिग के पिता का आरोप है कि उसे पुलिस लेकर गई थी, उसे वापस घर पर लाया गया तो उसकी मौत हो गई। मृतक नाबालिग के पिता नेमी चंद ने बताया कि उसके नाबालिग बेटे की तबीयत खराब थी। अगली सुबह उसे बल्लाराम पुलिस अपने साथ ले गई। जब वह अपने बेटे को पुलिस थाने से लेकर आए तब भी उसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि शरीर से खून आ रहा है। ऐसे में जब नेमी चंद ने नाबालिग से पूछा तो उसने कहा कि पुलिस कर्मियों ने उसे बेदर्दी से पीटा। बलाराम पुलिस ने नाबालिग को बाइक चोरी के मामले में पकड़ा था, जिसके बाद उसे लक्ष्मणगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया था। घटना के विरोध में ग्रामीण शव को खीरवा ढोलास के बीच सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर विरोध में बैठ गए। वे सरकारी नौकरी 40 लाख मुआवजा के साथ दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर मोहित बनवैत ने से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। जब प्रोड्यूसर नहीं डरा तो उसे व्हाट्सएप पर उनके घर और सभी गाड़ियों के नंबर भेजे गए। इसके बाद प्रोड्यूसर ने तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर धमकी वाले नंबर की जानकारी खंगालनी शुरू कर दी है। गोल्डी बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है। मोहित को पहले विदेशी नंबर से कॉल आई जिस पर उन्हें धमकी देकर 1 करोड़ रुपए देने को कहा गया। हाल ही में पंजाबी फिल्म नीमे सस कुटनी आई थी, इसके निर्माता मोहित ही हैं। इस फिल्म के टाइटल पर पंजाब महिला आयोग ने ऑब्जेक्शन किया था, जिसके बाद यह फिल्म खूब चर्चा में रही। जयपुर में दिन दिहाड़े स्कूटी सवार महिला के गले से बदमाश चेन तोड़ ले गया। वह अपने घर के गेट के सामने परिवार वालों से बात कर रही थी। स्कूटी पर 3 साल का बेटा भी बैठा था। इतने में बाइक सवार युवक आया और झपट्टा मारकर चेन ले गया। महिला ने बाइक सवार चेन स्नैचरों का करीब 500 मीटर तक पीछा भी किया था। बच्चे की सुरक्षा का ख्याल आने के बाद स्कूटी वापस ले गई। यह पूरी वारदात कॉलोनी में लगे CCTV में कैद हो गई है। घटना शाम 4 बजे मुरलीपुरा इलाके की है। 30 वर्षीय पायल शर्मा आर्यनगर स्थित अपने पीहर आई हुई थी। घर के बाहर खड़ी होकर परिवार वालों से बात कर रही थी। स्कूटी पर उनका बेटा पार्थ भी था। इस दौरान पीछे से आए युवक ने चेन तोड़ी और बाइक पर बैठकर भाग गया। पायल ने करीब 500 मीटर पीछा करने के बाद उसने अपनी गाड़ी रोक ली। 3 साल के बेटे की खातिर महिला ने बदमाशों को छोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।